जी भाई, रीजन बता सकता है कोई? इतने बाइक आप बता रहे थे शार्लिन, क्या रीजन है? बाइक से बता दो। कितने बाइट का है और भी बताना चाहे बता सकते हैं, और रीजन के साथ, वैलिड रीजन हो तो। तुक्का नहीं मारना, रीजन बतानी है तो रीजन हो क्या है? शारिल कह रहे माइक खराब है, तो रीजन लिख दो, क्या रीजन है? दो बाइट आपने जवाब दिया, रीजन क्या है? दो कैसे हैं आपने किया? 2.5 लोग कह रहे हैं, आप दो कैसे कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सही कहा, स्टार्टिंग का जीरो काउंट नहीं होगा। शागिल ने सही जवाब दिया, चलें इनको एक मास और भी दे देते हैं। ये दो बाइट का है, ये जीरो काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों काउंट नहीं होगा? क्या वजह है काउंट नहीं होगा ये जीरो? काउंट क्यों नहीं कर रहे हमसे? जवाब आपने सही बताया, मार्क्स आपको मिल गया, लेकिन इसका हम क्यों काउंट नहीं कर रहे? नंबर तो मिल गया है आपको शालिल, लेकिन ये तो बताओ, आप स्टार्टिंग का जीरो काउंट क्यों नहीं करेंगे? ये आपने बात सही बताई है, काउंट नहीं करेंगे, ये आपकी बात सही है। नंबर आपको मिल गया है, आधा नंबर तो मिल गया, आधा बता दो, रीजन पूरा कर दो। ये क्यों नहीं काउंट करेंगे, रीजन बता दो। ये आपकी बिल्कुल बात सही है, काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नहीं, और ये चीज बताओ ना, ये रीजन रीजनिंग पूरी नहीं आई है, आधी रीजनिंग आई है, आधा नंबर मिला है। हाफ रीजनिंग पे हाफ नंबर मिलेगा, ठीक है? तो फुल रीजनिंग नहीं है। ये बात इन्होंने सही की है कि स्टार्टिंग का जीरो काउंट नहीं होगा, लेकिन ये इसकी वजह नहीं बता सके कि क्यों काउंट नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि देखो, ये शुरू किससे हो रहा है? ए से। ए जो है ना, वो वेरिएबल बन सकता है, ए वेरिएबल बन सकता है। ये A69BH लिखते हैं तो इस नाम का वेरिएबल भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया शुरू में, तो ये वेरिएबल इसको ट्रीट ना करे क्योंकि वैल्यू हेक्सा की है, तो शुरू में हम जीरो लगा देते हैं, क्योंकि इस तरह से वो फिर जीरो से कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता, तो वो इसको फिर हेक्सा नंबर ट्रीट करेगा, वरना ये वेरिएबल बनने के चांसेस हो जाते हैं। अगर शुरू में जीरो नहीं होता और ए से स्टार्ट हो रही कोई चीज, तो वो इस नाम का वेरिएबल भी बनाया जा सकता है। तो वो उसको हेक्सा वैल्यू जब भी लेगा जब शुरू में आपने इसको न्यूमेरिक वैल्यू से इनिशलाइज कराया, तो इसलिए ये जीरो काउंट। ये बात मैंने बहुत शुरू में बताई थी, ठीक है? तो आधा नंबर इनका लिख लें शागिल का, और तो 1.5 हो गए इनके। अच्छा, मूव जेड एक्स ई वी एक्स कॉमा बी एक्स, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, बी एक्स की वैल्यू, बी एक्स में क्या रखा हुआ है? बी एक्स में रखा हुआ है एक्चुअली A69B, ठीक है? जीरो तो आपने उस खतरे से बचाने के लिए लिखाया था, A69B। तो A69B बी एक्स पर रखा हुआ है दो बाइट का, और ई एक्स जो है वो दो बाइट की वैल्यू किसमें जा रही है? चार बाइट में। तो दो बाइट की वैल्यू चार बाइट में जा रही है, तो आपने यूज क्या किया? आपने यूज किया मूव जेड एक्स। अब जेड एक्स यूज करेंगे क्योंकि छोटी वैल्यू को बड़ी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दो शुरू के दो बाइट में तो आ जाएगा A69B, बाकी मानदार के अंदर कितना आ जाएगा? जीरो, क्योंकि जेड एक्स यूज किया। फिर आप देखो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग चीज, मूव जेड एक्स EDX कॉमा BL, EDX कॉमा BL। BL क्या है? BL में क्या रखा हुआ है? BL में रखा हुआ है, BL में क्या वैल्यू होगी ये बताए? BL में क्या वैल्यू होगी? कि तो हमने BX में वैल्यू रखवाई है ना, A69B। BL में क्या होगी? जी अलीना फेम ने बताया 9B, बिल्कुल सही बताया, 9B BL में होगी। ये वैल्यू जो है ना BL में होगी, क्योंकि शायद शुरू की सिग्निफिकेंट बाइट जो है वो BL में आएगा, तो ये 9 BL के अंदर होगी वैल्यू 9B। और ये आप किसमें मूव करा रहे हो? EDX में। EDX में मूव करा रहे हो। EDX कितने
बाइट का है, 4 बाइट का, और BL 1 बाइट का, तो 1 बाइट की वैल्यू मूव हो रही है 4 बाइट में। तो शुरू की 1 बाइट में तो 9B आ जाएगा, बाकी में सब में 0 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि आपने यूज किया है मूव ZX। इसी तरीके से नीचे लिखे लिखा हुआ है मूव ZX CX कॉमा BL। BL अगेन वही है 2 बाइट, वही है 1 बाइट, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, 9 के 9B, ठीक है। BX का जो BL पार्ट है वो 9B है, ये BH पार्ट है A6, ये पार्ट BH है, लेकिन जो BL पार्ट है वो 9B है, ठीक है। तो BL यानी कि 9B के 9B वैल्यू है, 9B को आप मूव करा रहे हो। अच्छा, ये वीडियो किसी ने ऑन कर दी? ऑफ कर दें, जफीर खान ऑफ कर दें वीडियो, सही। अच्छा, BL कॉमा, ये आपने क्या किया, 1 बाइट की वैल्यू को आपने मूव करा दिया 2 बाइट में, 1 बाइट की वैल्यू को 2 बाइट में मूव कराने जा रहे हो आप। तो BL की वैल्यू CX में जा रही है, तो CX तो आपको पता है 2 बाइट का है, तो 2 बाइट की, 1 बाइट की BL, 9B अपनी जगह आ गया, बाकी जो 1 बाइट बची है वहां 00 आ गया। क्यों वहां 00 आ गया? आपने मूव ZX यूज किया। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ में ना आई हो? क्लियर, ठीक है। तो आपको मूव ZX अब मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इसका काम क्या है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। ये अब हम अगला स्विच हम यूज कर रहे हैं मूव SX। मूव SX किसके लिए यूज होता है? कि जो अपर हाफ है ना, डेस्टिनेशन का जो अपर हाफ है वो किससे किससे, मतलब सोर्स ऑपरेंड की साइन बिट से वो फिल कर देता है। डेस्टिनेशन का अपर हाफ सोर्स ऑपरेंड की साइन बिट से वो फिल कर देता है। अभी देखो इसमें टेक्निकल कुछ थोड़ी सी ट्रबल, लेकिन वही बात है, एक्चुअली वो सब में 1-1-1 मूव कर देता है। SX है ना, मूव ZX क्या मूव करता है? 0। मूव SX क्या मूव करता है? 1। क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रहे उसके लिए, बाकी मानदा में हम 1 मूव करा रहे थे ना, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रहे तो negative value, उसके लिए हम one move करा रहे थे। तो अब हम इसके लिए यूज करेंगे मूव SX, ठीक है। तो ये दो, ये डेस्टिनेशन के अंदर ये चीज है, डेस्टिनेशन की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट, डेस्टिनेशन की जो साइन बिट है, डेस्टिनेशन की साइन बिट कौन सी है? ये वाली, सॉरी, ये जो सोर्स की जो साइन बिट है, ये सोर्स है ना, ये वाली चीज सोर्स कहलाती है, ये चार वाली चीज डेस्टिनेशन कहलाती है, ठीक है। तो सोर्स की जो साइन बिट है, ठीक है, सोर्स की बल्कि हम ऊपर से करके दिखाऊं मैं आपको, वो सही है, ये एक मिनट इरेज कर देते हैं। सोर्स ये लिखा हुआ, ठीक है, सोर्स ये 1000000111, 4 times 1। अब सोर्स की साइन बिट कौन सी है? ये वाली। सोर्स की साइन बिट को किसके साथ फिल कर देते हैं? डेस्टिनेशन की जितनी बाकी ईमानदार बिट्स हैं उनके साथ। डेस्टिनेशन की बाकी ईमानदार बिट्स ये हैं, इनके साथ वन सोर्स की साइन बिट को फिल कर दिया। सोर्स की साइन बिट चूंकि 1 थी, तो यहाँ सब जगह 1 आ गया। अगर यहाँ 0 होती तो यहाँ 0 आ जाता, क्योंकि आपने यूज किया है मूव SX। मूव SX कर रहे हो AX कॉमा BL, ठीक है। BL आपने ये वेरिएबल बनाया हुआ BL, उसके अंदर बाइनरी की यही वाली बाइट है 1000000411। तो ये आपने मूव कराया BL में, और फिर इस BL की वैल्यू को आप मूव करा रहे हो। BL इधर 1 बाइट का है, और AX कितने बाइट का है? 2 बाइट का। 1 बाइट की वैल्यू 2 बाइट मूव करा रहे हो, तो बाकी मानदा जो 1 बाइट की वैल्यू 1 बाइट में आ जाएगी, बाकी मानदा में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि जो साइन बिट है सोर्स की, उसकी वैल्यू 1 है, नेगेटिव थी, तो वो सारा बाकी मानदा में भी 1 कर देगा। क्लियर? तो मूव SX हम वहां यूज करते हैं
जहां मैं साइंड वैल्यू को मूव कराना हो, साइंड वैल्यू छोटी है और उसको हमने मूव कराना है किसी बड़े रजिस्टर में, तो बाकी वाली वैल्यूज जो है वो साइंड वैल्यू आ जाए उसमें, रिटेन रहे साइंड वैल्यू अपनी जगह पे, तो हम बाकी मानदा पे वो वन मूव कर देगा अगर अगर सोर्स की साइंड बिट वन हुई, अगर जीरो मूव कर देगा अगर सोर्स की साइंड बिट जीरो हुई। तो ये कॉन्सेप्ट है मूव एसएक्स का। और यहाँ पर एक बात जो लिखी है काबिल जो अमल है वो है, डेस्टिनेशन मस्ट बी आर रजिस्टर, डेस्टिनेशन हमेशा रजिस्टर होगा मूव एसएक्स में। और यहाँ पर भी मेरे ख्याल में पिछली स्लाइड में यहाँ पर भी यही है, जेड एक्स मूव जेड एक्स यूज करो तब भी डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा, डेस्टिनेशन है ना, डेस्टिनेशन हमेशा रजिस्टर होगा, वेरिएबल कभी भी रजिस्टर वेरिएबल कभी भी डेस्टिनेशन नहीं बनाना मूव जेड एक्स के साथ, मूव जेड एक्स के साथ वेरिएबल कभी भी डेस्टिनेशन नहीं बनाना, हमेशा रजिस्टर यूज होगा एज अ डेस्टिनेशन, जेड एक्स के साथ भी एस एक्स के साथ भी, यहाँ पर ये बात स्पेशली लिखी हुई है। ठीक है, तो कभी भी एस एक्स के साथ और जेड एक्स के साथ आप हमेशा रजिस्टर यूज करोगे एज अ डेस्टिनेशन, वेरिएबल नहीं। क्लियर, तो ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बहुत ज्यादा फोकस करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इन्हीं से सवाल बनाते हैं, कभी कभी हम कोड दे देते हैं पेपर में और हम पूछते हैं भी है कि इसमें गलतियां बताओ। ठीक है ना, तो जैसे अभी मैंने गलती पूछी ना आपसे मूव जेड एस करके, मैंने अभी गलती पूछी नंबर भी दिया उसमें, तो इस तरह पेपर में भी हम कोड देखे ना पूछते हैं इसमें क्या गलतियां हैं, गलतियां बताओ, तो जो सही गलतियां आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो गलतियां इंडिकेट कर देते हैं भाई ये मिस्टेक्स हैं इसमें, उनको मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल में क्लास एंड का टाइम हो गया है, टाइम 11:30 हो गया, क्लास एंड करते हैं, अगले वीक जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे LAHF और SAHF, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग जो है वो क्विज की तैयारी रखिएगा, नेक्स्ट वीक चैप्टर 3 से क्विज होगा। कोशिश कर रहा हूँ आपके एक असाइनमेंट भी आपको एक दे दूँ ताकि मिड टर्म से पहले कम अज कम एक असाइनमेंट आपकी सबमिट हो जाए। ओके सर, फिर सर लीव कर सकते हैं? हाँ लीव कर सकते हैं। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़।